हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम बोडो पीस अकॉर्ड 2020 के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को याद हो तो हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी असम के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने इस बोडो अकॉर्ड के बारे में बात छेड़ी हुई थी और बहुत ही उसकी तारीफ भी की हुई थी। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये बोडो लैंड का इश्यू क्या है पूरे असम में, इसके हिस्टोरिकल जेनेसिस कहां पर थे और कंक्लूजन इसका क्या कुछ हुआ है, या फिर इससे रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम्स जिसके बारे में हमें कवर करने, उन सभी के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या कोई और भी मेजर इस तरीके के सेपरेट स्टेटहुड को लेकर डिमांड्स इंडिया में कहां कहां पर आ रहे हैं, वो क्या क्या है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो लेट अस गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी असम गए हुए थे और वहां पर चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन्स भी उन्होंने ले किए हुए थे और एक बहुत ही बड़ी रैली भी वहां पर हुई थी। और वहां पर उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा हुआ था कि असम के लिए वो क्या कुछ विजन रखते हैं और पीस, यूनिटी और डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ उनकी सरकार वहां पर काम कर रही है, और खासकर बोडो अकॉर्ड के बारे में उन्होंने वहां पर बहुत ही तारीफ की हुई थी। और उन्होंने ये कहा हुआ था कि बोडो अकॉर्ड हैज ब्रॉट लॉन्ग लास्टिंग पीस टू द असम। तो इस पूरे के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नॉट जस्ट अबाउट द बोडो अकॉर्ड। और उन्होंने हाल ही में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में से जो अफ्सपा को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसे आहिस्ता से पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में से जो हटाने का डिसीजन लिया हुआ है उसे भी उन्होंने बहुत ही तारीफ की हुई थी और कहा हुआ था कि ये भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, खासकर असम जैसे एक स्टेट में, बहुत ही शांति जो है लाने की कोशिश करेगा और बहुत ही जबरदस्त सा डेवलपमेंट हमें आगे के दिनों में देखने को मिलेगा। हमने अफ्सपा से रिलेटेड ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। तो सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस हम सभी को पता है कि कई अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हुए हैं और हाल ही में ही बेस्ट एग्जांपल अगर हम दे सकें तो रिसेंटली 2014 में तो तेलंगाना रीजन की, या फिर तेलंगाना स्टेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही रिच कल्चर और हेरिटेज उनका है। इवन दो सेम लैंग्वेज वो शेयर करते हैं विद द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलुगु, दोनों स्टेट्स में ही तेलुगु हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे फ्रॉम द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पीपल के जो कल्चर्स हैं, उनके ट्रेडिशन हैं, वो थोड़े बहुत डिफरेंट है। तो इस तरीके से कई अलग अलग स्टेट्स और कई अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज और पीपल जो है वो मांगे कर रहे हैं कि उन्हें सेपरेट स्टेट चाहिए। तो उन्हीं सच मांगों में से एक जो सबसे स्पेसिफिक हमें देखने को मिल रहा है डिमांड फॉर बोडो लैंड। दरअसल बोडोज जो है वो दरअसल एक ट्राइबल कम्युनिटी है बच्चों, और खासकर असम की सबसे लार्जेस्ट सिंगल कम्युनिटी भी से मानी जाती है। और असम में ये नोटिफाइड स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, यानी कि वहां के स्केड्यूल ट्राइब्स में लिस्ट में इनका नाम को इंक्लूड किया गया है। और लगभग अगर आप देख सकें तो पूरे असम के पॉपुलेशन में लगभग 5-6% जो है आपको ये बोडो पीपल देखने को मिलेंगे, या फिर पीपल फ्रॉम द बोडो कम्युनिटी। और ये खासकर बोडो कछारी जो एथनिसिटी है, सेपरेट जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी या फिर जो सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी जो फॉर्म करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो उसका हिस्सा ये माना जाता है। तो सिंस 1960s ही सबसे पहली बार हमें सेपरेट बोडो स्टेट के लिए जो है वो डिमांड्स देखने को मिली हुई थी। और सबसे पहले इन स्पेसिफिक अगर कह सकें तो 1967-68 में पहली बार एक सेपरेट बोडो लैंड का डिमांड किया गया था। एंड अगर हम थोड़ा बहुत ऑन द सेम लाइन ट्रेसिस अगर हम जेनेसिस को देखने की कोशिश करें तो आप सभी को भी पता है कि पहले ब्रिटिश के जमाने में जो आज हम असम का रीजन देखते हैं उसे पूरा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स कहा जाता था। तो आहिस्ता से इंडिपेंडेंस के बाद एक एक स्टेट जो है वो फॉर्म होता गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आज जिस तरीके से सेवन सिस्टर स्टेट्स हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है आहिस्ता से अपना अपना शेप लेते आए हुए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हम कह सकते हैं वो 1985 का असम अकॉर्ड है। आप सभी को भी पता है कि 1971 में बांग्ला का लिबरेशन वॉर हुआ था और इंडिया ने बहुत ही मदद की हुई थी बांग्लादेश को वेस्टर्न पाकिस्तान से लिबरेट करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश भी उस जमाने में वेस्टर्न पाकिस्तान ही था। और वहां पर लिबरेशन तो हो गया, लेकिन बाद उसके कंसिस्टेंटली 1970s और 80s में कंटिन्यूअसली इल्लीगल जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे वो आकर असम में बसने लग गए और यहां पर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें जो है वो आहिस्ता से क्रिएट होने लग गई, क्योंकि यंगस्टर्स जो असम के थे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम्स हो रहे थे वहां पर, कहीं ना कहीं
यू नो ट्रेड एंड बिजनेस से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और वो फुल फ्लेज्ड जो हकदार थे यहाँ पर असम के, जो बेनिफिट्स उन्हें मिलने थे वो सही तौर पर उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो फुल फ्लेज्ड एक रेवोल्यूशनरी यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिला हुआ था, असम मूवमेंट का, और असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इसे अंडरटेक किया हुआ था। और साथ ही साथ इस पूरे तरीके से इस रेबेलियन को कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक खत्म करने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी जो थे वो वहां पर गए हुए थे असम में, और उन्होंने खुद असम अकॉर्ड को साइन किया हुआ था 1985 में। तो एट द सेम लाइन इसी टाइम फ्रेम में 1980s में ही तो बोडो एस्पिरेशंस भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसी असम अकॉर्ड से इंस्पिरेशन लेकर ऑल बोडो स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है वो 1987 में पहली बार इस बोडो सेपरेट बोडो लैंड के लिए, फिर सेपरेट बोडो स्टेटहुड के लिए पहली बार वो डिमांड को आगे रखते हैं। एंड ऑन द सेम लाइन अगर हम कह सकें तो 1986 में बोडो सिक्योरिटी फोर्स जो ऑलरेडी एक मिलिटेंसी का ग्रुप था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, वो ऑलरेडी काम कर रहा था लेकिन उसने खुद को रीनेम किया हुआ था 1986 में और खुद को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो लैंड की तरह उन्होंने नाम दिया हुआ था। बाद में जाकर कई इंपॉर्टेंट से फ्रैक्शंस में वो स्प्लिट हुए थे। तो यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं कि पूरा असम है लेकिन जो मेजोरिटी जहां पर बोडो पीपल या फिर बोडो एथनिसिटी से जो रिलेट करते हैं ट्राइबल पीपल, वो इसी रीजन में ज्यादातर स्कैटर्ड है। तो इसी पूरे रीजन को सेपरेट बोडो लैंड की तरह अनाउंस करने के लिए कई डिमांड्स किए जा रहे थे। और आगे बढ़ते हैं इन दोनों के बीच, सिंस 1980s कंसिस्टेंटली वहां पर डिमांड चल रहे थे, मिलिटेंसी ग्रुप्स भी जैसे कि अभी हमने देखा वो भी बहुत ही एक्टिवली वहां पर काम कर रहे थे सेपरेट बोडो स्टेटहुड के लिए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हमें मिलता है वो 1983 में मिलता है जहां पर ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ असम एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों ने मिलकर पहला बोडो अकॉर्ड जो है वो साइन किया हुआ था 1993 में। और स्पेसिफिकली 1993 में बस उन्हें चंद लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स दिए गए थे और बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं असम के इन यू नो अपर मोस्ट नॉर्थर्न रीजन में ये जो चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी, ये चारों रीजन या फिर ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पर बोडो पीपल ज्यादातर डोमिनेटेड है, मेजोरिटी में है, तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन नाम के लिए बस ये काउंसिल रखा गया था, उसे बहुत ही कम पॉलिटिकल पावर्स दिए गए थे। तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट से इश्यूज जो थे खासकर बोडो पीपल से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, उस पूरे रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीजें एड्रेस नहीं की गई थी। तो कंसिस्टेंटली इवन आफ्टर द फर्स्ट बोडो अकॉर्ड भी रेवोल्यूशन वहां पर चल रहा था, लोग कंसिस्टेंटली डिमांड कर ही रहे थे। और सेकंड मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसी पीस प्रोसेस में हमें जो देखने को मिलता है, जो कंसल्टेशंस कंटिन्यूअसली चल रहे थे वो 2003 में हमें देखने को मिलते हैं जहां पर सेकंड बोडो अकॉर्ड, सेकंड बोडो पीस अकॉर्ड जो था वो साइन किया गया था। पहले वाले में हमने देखा कि ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ साइन किया गया था, लेकिन यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जो मिलिटेंसी ग्रुप था, बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स जिसे कहा जाता था, उनके बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असम सरकार के बीच ये सुलह जो था वो किया गया था 2003 में और सेकंड बोडो अकॉर्ड को साइन किया गया था। और यहां पर पहली बार मेजर ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिलता है जहां पर बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। पहले वाले में हमने देखा कि बस एक ऑटोनोमस काउंसिल क्रिएट किया लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पावर्स नहीं दिए गए, लेकिन यहां पर एक मेजर ब्रेक तो ये था कि सिक्स्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्केड्यूल्स भी माना जाता है, जो कि खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्राइबल रीजन है उन्हें सेल्फ गवर्निंग के रूल्स, सेल्फ गवर्निंग के पावर्स जो देता है सिक्स्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके तहत बोर्ड और टेरिटोरियल काउंसिल को रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। यानी कि जो फोर मेजर डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर उन्हें सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की तरह जो है रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ था और बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हमें स्थापना करने को देखा हुआ था। लेकिन फिर भी कई इंपॉर्टेंट से जो इश्यूज थे, जैसा कि बोडो मूवमेंट में जितने भी लोग जो थे वो मारे गए थे उनके बारे में क्या क्या उन्हें कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा, इसी बोडो रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी तरीके से है उसका क्या, एजुकेशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों के बारे में क्या, डेवलपमेंट के बारे में क्या, और खासकर जो मिलिटेंट्स ग्रुप के लोग थे जिन पर अलग अलग केसेस लगाए गए थे उसके बारे में क्या। तो फिर भी जो है इवन दो आफ्टर सेकंड बोडो अकॉर्ड ये मेजर कंसिस्टेंटली जो है ये सभी इश्यूज चल रहे थे। और हाल ही में सबसे मेजर ब्रेक थ्रू जो था वो रिसेंटली 27th of January 2020 को आया हुआ था, दैट इज बोडो पीस अकॉर्ड ऑफ 2020, जिसकी तारीफ हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की हुई थी। नो डाउट इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटीज भी माना जा रहा है। ऑफ कोर्स असम गवर्नमेंट और जितने भी बोडो ग्रुप्स एक्चुअली थे, चाहे वो मिलिटेंसी से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स यूनियन से रिलेटेड हो, और असम सरकार भी इसमें जुड़ी हुई थी, तो इन सभी के बीच सुलह किया गया था इन सभी फ्रैक्शंस को, खासकर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो कि एक बहुत ही मिलिटेंट ग्रुप वहां पर एक्टिव था, उन्होंने भी इस डील को साइन किया हुआ था। और यहां पर चंद इंपॉर्टेंट से हाईलाइट अगर मैं बता दूं इस पीस ट्रीटी के, उन्होंने ये बात कही कि सबसे पहले तो
बीटीएडी दैट इज बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर जितने भी चार इंपॉर्टेंट से डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हैं उसे पहली बार हम रीनेम करके बोडो टेरिटोरियल रीजन की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बहुत आगे रीजन की तरह अब इसे रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है इन द असम। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो इस बोडो पीस ट्रीटी में साइन किया गया था 2020 या फिर बोडो पीस अकॉर्ड 2020 का हिस्सा था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट हम देख सकते हैं कि जो चार डिस्ट्रिक्ट्स थे बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो थे उन्हें स्पेसिफिकली सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी जो मेंशन दिया गया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिट बाकी के जो रीजन है यानी कि इसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास अगर बोडो स्पीकिंग पीपल या फिर बोडो स्पीकिंग रीजन इंपॉर्टेंटली है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन मिला जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाल ही में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पूरे देश भर में बहुत ही बवाल मचाया गया था और खासकर असम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये रोल प्ले करता है, तो इन सभी रीजन्स को इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत बाहर रखा गया है, यानी कि उन सभी को एग्जेम्प्ट किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वहां पर अब एप्लीकेबल नहीं होगा। और सिमिलरली यही बात कही गई कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है वो अब जितने भी बोडो डोमिनेटेड विलेजेस हैं आसपास इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास जितने भी बोडोलैंड बोडो पीपल मेजॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं उन सभी को जो है स्पेसिफिकली बोडो टेरिटोरियल रीजन में इंक्लूड किया जाएगा और जो बोडो स्पीकिंग एरियाज नहीं है मेजॉरिटी उन्हें इससे एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी कि उससे बाहर रखा जाएगा और विलेजेस विद नॉन बोडो पॉपुलेशन विड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड एक कमिटी को बिठाने की बात की गई थी तो अभी उसके बारे में चर्चा कंसिस्टेंटली चल रही है कि इस कमिटी में स्पेसिफिकली के इंक्लूजन्स क्या होंगे एक्सक्लूजन्स क्या होंगे उसके बारे में ये कमिटी जो है ए टू जेड डिसाइड करेगी। और इसके इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से एक और अच्छी बात भी ये हो रही है कि जितने भी इस बोडो टेरिटोरियल रीजेंसी में जो ऑलरेडी एमएलएस थे जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के सीट्स थे वो पहले 40 हुआ करते थे लेकिन अब वो 60 होंगे क्योंकि एडिशनली जितने भी बोडो डोमिनेटेड रीजन्स हैं उन्हें भी जो है इस बोडो टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल में रिकॉग्नाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन की भी अच्छी खासी बात देखने को मिल रही है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा खासा पुश किया जा रहा है। तो ये बात भी कही गई कि जितने भी ऑल बोडो स्टूडेंट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इस पर और भी थोड़ी सी जानकारी हमें देना बाकी है लेकिन फिर भी ये कमेटी से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी होगा वो सभी की सहमति के साथ ही होगा क्योंकि मेजर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी इस कमेटी का ही हिस्सा है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज जो कही गई थी बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल, मैंने जैसा कि कहा कि बोडो कछारी जो था एक सेपरेट लिंग्विस्टिक ग्रुप या फिर एथनिक ग्रुप जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमें खासकर देखने को मिलता है उनके डेवलपमेंट के लिए फोकस्ड डेवलपमेंट के लिए जो कोई भी बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के बाहर है उनके बोडो पीपल के डेवलपमेंट के लिए ये काउंसिल स्पेसिफिकली काम करेगा। पूरे असम में जहां कहीं पर भी हो उनके डेवलपमेंट के लिए ये बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल जो है वो काम अब करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट भारत सरकार ने यह भी आश्वासन दिया हुआ है कि जितने भी बोर्डर्स जो हिली एरियाज में रह रहे हैं उन्हें स्केड्यूल्ड हिल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट सा ब्रेक थ्रू अगेन बोडो लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है उसे पूरे असम के लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो यहां पर उनके कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को भी पुश करने की अच्छी खासी कोशिश की जा रही है लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज पर अग्रीमेंट अभी नहीं हो पाया है कि जो कोई भी नॉन डोमेसिल्स हैं उस रीजन में अभी जितने भी चार डिस्ट्रिक्ट्स के में हमने बात किया वहां पर जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है क्या उन्हें परमानेंट सिटीजनशिप वहां पर दी जाएगी या फिर वर्क परमिट के बारे में उनका क्या क्या होगा, जो वहां पर नॉन डोमिसाइल है क्या वहां पर वो आकर काम कर सकते हैं पैसा कमा सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, इन सभी के बारे में अभी जो है फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन देना बाकी है। एंड अलॉन्ग विद दैट भारत सरकार और असम गवर्नमेंट ने यह भी आश्वासन दिया हुआ है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो कि मिलिटेंसी ग्रुप था जो बहुत ही लंबे अरसे से काम कर रहा था इस बोडो लैंड के इशू के लिए तो 1500 उनके कैडर्स अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं जिन पर अलग अलग केसेस लगाए गए थे उन्हें रिहेबिलिटेट और असिमिलेट करने की भी कोशिश की जाएगी, यानी कि उन्हें मेन स्ट्रीम में अब लाने की कोशिश की जाएगी और जितने भी उनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं खासकर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के जितने भी मिलिटेंट्स थे उनके ऊपर जो कोई भी मेंबर्स उनके ऊपर केसेस जो लगाए गए हैं ऑफ कोर्स दो कैटेगरी एक तो हीनियस क्राइम्स दूसरे नॉन हीनियस क्राइम्स। हीनियस क्राइम्स यानी कि जो मर्डर्स रेप्स वगैरह के जो केसेस हैं उन्हें फिर से रिव्यू किया जाएगा लेकिन जो नॉन हीनियस क्राइम्स हैं छोटे-छोटे जो पेटी केसेस हैं वो मार दिए जाएंगे पूरी तरीके से और इन मेंबर्स को फुल फ्लेज्ड सोसाइटी का हिस्सा बनने की कोशिश करवाई जाएगी और उन्हें असिमिलेट और रिहैबिलिटेट भी किया जाएगा। तो ये अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन जो इस बोडो पीस अकॉर्ड में लिया गया है।
और स्पेसिफिकली उनके जितने भी ग्रीवांसेस हैं उन्हें रिड्रेस करने के लिए भी कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई है। अब कंसिस्टेंटली सब भारत सरकार और असम गवर्नमेंट भी कंटिन्यूअसली इन लोगों से जुड़ा रहेगा, उनके जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंटिन्यूअसली सुनते रहेगा और उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बहुत ही लॉन्ग टाइम से जो पेंडिंग रखा हुआ था कि जितने भी लोग मारे गए थे इस बोडो मूवमेंट में उनके लिए कॉम्पनसेशन का क्या, तो भारत सरकार ने यह भी अनाउंस किया कि 5 लाख रुपए ईच जो है जितने भी लोग मारे गए हैं जिन जिन फैमिली को बिलोंग करते हैं उन सभी को 5 लाख रुपए जो है कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ बोडो रीजन और बोडो पीपल के डेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज सेंटर जो है वो दे रहा है अंडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो कोई भी इस बोडो रीजन में डेवलपमेंट के लिए किए जाएंगे वो भारत सरकार वहां पर इन्वेस्ट करेगा। तो 1500 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार यहां पर स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज उन्होंने अनाउंस किया हुआ है एज पार्ट ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड 2020। एंड मोइंग एड, किस लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी इतनी तारीफ की, आप सभी जानते हैं कि इतने सारे हाईलाइट्स वहां पर दिए गए हैं सिंस 1960s 1970s, जो आस्था से ये मूवमेंट शुरू हुआ था उसे कहीं ना कहीं 2020 में पीस अकॉर्ड के तौर पर उसे सेटल करने की कोशिश की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस अकॉर्ड की वजह से जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन हो चाहे वो मिलिटेंसी ग्रुप हो, वो सभी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे और बैठकर वो बात करेंगे, फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे कि हम बोडो पीपल और बोडो लैंड को डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और स्पेसिफिकली आर्म्ड रेसिस्टेंस ग्रुप जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएंगे और नेशन के प्रोग्रेस में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जाहिर सी बात है कि उन पर जो केसेस लगाए गए थे अगर वो नॉन हीनियस है तो उन्हें मार दिया जाएगा और उन्हें फुल फ्लेज्ड सोसाइटी का हिस्सा बनने की भी मदद भी की जाएगी। एंड सिमिलरली ऑफकोर्स जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही बहुत ही एक वाइब्रेंट कल्चर और ट्रेडिशन हमें वहां पर देखने को मिलता है, तो इस बोडो पीस अकॉर्ड से जो कि बोडो पीपल भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे तो वो भी अपने कल्चर को, वो भी अपने ट्रेडिशन को फुल फ्लेज्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और पॉपुलराइज भी कर सकते हैं ताकि उन्हें वाइड रेंज एक्सेस मिले डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स का। और पूरे असम में जो है पीस हार्मोनी और टुगेदरनेस जो है इस बोडो पीस अकॉर्ड की वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी चंद मेजर बातें जो आपको इस पूरे मामले के बारे में जाननी थी। एक और छोटी सी चीज, जैसे कि मैंने कहा कि क्या कोई मेजर इस तरीके के स्टेटहुड के डिमांड्स भी इंडिया में चल रहे हैं क्या, ऑफकोर्स फुल फ्लेज्ड करंटली जो है वो कई इंपॉर्टेंट से इस तरीके से डिमांड्स भी चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वन तो विदर्भा रीजन का, यहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का मैप, तो ईस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन में खासकर अमरावती और नागपुर के डिविजन को जो है सेपरेट करके वहां पर विदर्भा स्टेट बनाने का डिमांड सिंस वेरी लॉन्ग किया जा रहा है। और सिमिलरली यूपी जो कि एज ऑफ नो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है उसे भी 4 हिस्से करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा यहां पर आप देख सकते हैं पूर्वांचल विद 32 डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न यूपी साइड का रीजन पूर्वांचल विद 32 डिस्ट्रिक्ट्स, फॉलोड बाय द अवध प्रदेश जो कि अवध का रीजन है 14 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, एंड बुंदेलखंड रीजन विद 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हरित प्रदेश या फिर पश्चिम प्रदेश भी कहा जा रहा है, तो वहां पर 22 जिलाओं के साथ जो है एक एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है उसे भी सेपरेट स्टेट बनाने का डिमांड बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वेस्ट बंगाल में एक जमाने से गोरखालैंड सेपरेट गोरखालैंड के लिए भी डिमांड जो है चल रहा है। नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के जितना भी ग्रीन कलर रीजन है उसे सेपरेट गोरखालैंड की तरह अनाउंस करने के लिए डिमांड की जा रही है। और सौराष्ट्र के बारे में जो कि पेनिनसुलर रीजन है गुजरात का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस सौराष्ट्र के रीजन को भी सेपरेट स्टेट की तरह अनाउंस करने के लिए यहां पर डिमांड्स किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिथाली या फिर मैथिली सेपरेट स्टेट भी अनाउंस करने की वहां पर डिमांड किया जा रहा है, खासकर जहां पर मैथिली स्पीकिंग जो लैंग्वेज है जो बिहार और झारखंड के रीजन में डोमिनेटेड पीपल है वहां पर भी एक सेपरेट स्टेट बनाने की भी बात की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई माइनर भी हमें इस तरीके के यू नो स्टेटहुड के डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश में से भी आप देख सकते हैं रायलसीमा रीजन जो कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन भी माना जा रहा है, वहां पर भी सेपरेट स्टेटहुड के आस्था से डिमांड्स है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन कर्नाटक के रीजन में भी इस तरीके के कई डिमांड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको फुल फ्लेज्ड जाननी थी बोडो पीस अकॉर्ड 2020 के बारे में, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, किस तरीके से वो एक नया एरा ऑफ पीस जो है वो अशर करेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्ट्री में, और साथ ही साथ जो मेजर से स्टेटहुड के डिमांड्स हमारे इंडिया में है उनके बारे में। तो देख लेते हैं कि रिव्यू क्वेश्चंस क्या कुछ आ सकते हैं इस इश्यू से रिलेटेड। तो सबसे पहला बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, बोडोस आर सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल, असम, मणिपुर या मिजोरम, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स दे बिलोंग टू असम। 5-6% ऑफ द टोटल असम पॉपुलेशन इज नथिंग बट द बोडो पीपल। फर्स्ट डिमांड फॉर अ सेपरेट बोडो स्टेट वॉज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1967, 75, 85 या 1991, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑफकोर्स 1967-68 में पहली बार सेपरेट बोडो स्टेट का डिमांड किया गया था।
ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन जो कि बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल बॉडी रहा इस बोडो मूवमेंट में, तो वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1967, 75, 1985 या 1991? नॉट 1985. ऑफ कोर्स असम अकॉर्ड को देखकर वो इंस्पायर हुए थे कि अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, लेकिन उनका एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी 15 फरवरी 1967 को हुआ था और पहली बार ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने ही मांग की हुई थी सेपरेट बोडोलैंड की. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड कब एस्टैब्लिश किया गया था? मिलिटेंसी ग्रुप है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल इसने प्ले किया हुआ है 1982, 1986, 1989 या 1990. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 3rd of October 1986. तो असम अकॉर्ड के साइन करने के बाद इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया हुआ था और रीनेम करके खुद को जो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड की तरह खुद को फॉर्म किया हुआ था. और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड रंजन दैमारी, बी बिबन, बी आर फेरंगा या यम मुलुगशा. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली रंजन दैमारी इज द पर्सन हु वाज फाउंडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. बहुत ही क्रूशियल सा रोल इन्होंने भी प्ले किया हुआ है. फर्स्ट बोडो अकॉर्ड जो था वो कब साइन किया गया था? 1990, 1993, 1995 या 1998? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली 1993 में पहली बार ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ जो है ये बोडो फर्स्ट बोडो अकॉर्ड साइन किया गया था. सेकेंड बोडो अकॉर्ड जो कि सेकंड मेजर ब्रेक थ्रू था इस पीस प्रोसेस में, तो वो कब साइन किया गया था? 2000, 2003, 2005 या 2009? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एब्सोल्युटली 2003. और यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने साइन किया हुआ था. और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हुआ है, यानी कि जहां पर मेजर बोडो स्पीकिंग पीपल या फिर बोडो ट्राइबल ग्रुप्स हैं? 3, 4, 5 या 6? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है, दैट इज असम्स बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट्स. फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो हमें किस स्केड्यूल में देखने को मिलते हैं? खासकर ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का प्रावधान हमें स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही देखने को मिलता है, 4th, 5th या 6th या 7th स्केड्यूल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स फॉर 6th स्केड्यूल. खासकर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जितने भी हिली ट्राइबल रीजन है उन सभी को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंडर बनवाने के लिए ये स्केड्यूल में जो है हमें स्पेशल प्रावधान देखने को मिलते हैं. और भारतीय राज्यांग में टोटल कितने स्केड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं? बेसिक इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, 10, 11, 12 या 13? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज देर आर 12 स्केड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि दीज आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा. एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.